सिविल हॉस्पिटल अमरपाटन में मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां डायरिया से 5 साल की मासूम की मौत के बाद वाहन नसीब नहीं हुआ। परिजन बच्ची के शव को मोटरसाइकिल से लेकर अपने गांव पहुंचे। पूरा मामला अमरपाटन थाना क्षेत्र के ग्राम बेंदुरा का है, जहां 5 साल की मासूम बच्ची मनीषा कौल उल्टी दस्त से पीड़ित थी। बच्ची के परिजन उसका उपचार कराने की बजाय झाड़फूक कराने तांत्रिक के पास ले गए। बच्ची की हालत में सुधार नहीं हुआ, फिर परिजनों ने उसका इलाज झोला छाप डॉक्टर से करवाया। जब हालत बिगड़ी तो बच्ची को देर रात परिजन सिविल अस्पताल अमरपाटन लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। दरअसल यह बच्ची डायरिया से कई दिनों से पीड़ित थी। परिवार की मुसीबत यही खत्म नहीं हुई। मासूम की मौत के बाद उसके शव को ले जाने के लिए शव वाहन या एम्बुलेंस भी नसीब नहीं हुई, जिसके बाद परिजन देर रात मासूम बच्ची के शव को लेकर मोटरसाइकिल से अपने गांव के लिए रवाना हुए। आज तकरीबन 11 बजे एक बच्ची आई है, और जिसको काफ़ी दिन से डायरिया का, वो बता रहे थे कि काफ़ी दिन से डायरिया था, बहुत ही गंभीर हालत में लाई गई है। और लाने के साथ जैसे उसको एडमिट किया गया, उपचार शुरू किया गया, वैसे ही उसकी डेथ हो गई। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।